पंछी गाने लगे, खिड़कियां भी खुल गई, पढ़ने पढ़ाने की अखबार पुरानी हो गई। फिर भी कैसा कोहरा है, घनघोर अंधेरा है, कहीं कुछ तो छूट गया, सिलसिला क्यों टूट गया, कुछ तो आगे बढ़ गए, कुछ क्यों पीछे रह गए। है घर कहीं जवाब तो, चलकर उसे हम ढूंढ ले, चलकर उसे हम ढूंढ ले, चलकर उसे हम ढूंढ ले। पिछली बार की परिक्रमा में मैंने महाराष्ट्र के विभिन्न गांवों में चल रहे साक्षरता कार्यक्रम और उससे हुई उपलब्धियों के बारे में जाना। महाराष्ट्र के गांवों में अभी भी साक्षरता को लेकर बहुत उत्साह है। यहां साक्षरता को रोजगार से जोड़ने की पहलकदमी के तहत सिलाई प्रशिक्षण और मछली पालन जैसे कार्यों का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। महिलाओं के स्व सहायता समूह बनाए जा रहे हैं। साक्षरोत्तर कार्यक्रम के तहत शिक्षा को व्यापक बनाने का काम भी हो रहा है। गांवों में वाचनालयों का निर्माण किया जा रहा है। लेकिन छूट गए लोगों की चिंता तो यहाँ भी है। हरियाणा के बारे में जैसा सुना था वैसा ही पाया। कहते हैं यहाँ के खेतों में सोना उगता है। सचमुच यहाँ के लोगों ने अपनी मेहनत और लगन से खेतों की हरियाली के साथ साथ जीवन की खुशियां भी उगाई हैं। हरियाणा की विशेष पहचान यहाँ के गांवों से भी है और यहाँ के गांवों में आजादी के पहले से ही सामाजिक सुधार आंदोलन का विशेष प्रभाव रहा है। खास तौर पर सामाजिक बदलाव में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने का प्रयास यहाँ समय समय पर चलता रहा है। समाज में बदलाव की सोच वैसे भी जागरूक समाज की सोच है। हो सकता है शिक्षा के क्षेत्र में भी यहाँ वैसी ही जागरूकता रही होगी। संभव है यहाँ मुझे मेरे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएं। जहाँ तक साक्षरता का सवाल है, हरियाणा और यमुनानगर में मैं कहूँगा कि साक्षरता अभियान साथ साथ ही शुरू हुआ है, क्योंकि इसकी शुरुआत यमुनानगर से ही हुई है। हरियाणा में साक्षरता कार्यक्रमों की 1990 में हमने यमुनानगर में साक्षरता कार्यक्रम को एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर शुरू किया और 45 गाँव में हमने साक्षरता कार्यक्रम शुरू किया। उसके लिए हमने पहले वातावरण निर्माण किया और गांव-गांव जाकर कला जत्थों के माध्यम से और रैलीज के माध्यम से, जलसों के माध्यम से, स्कूल्स में जाकर उनको लोगों को एक वातावरण निर्माण किया ताकि लोग मोटिवेट हो सकें। साक्षरता अभियान के दौरान इस तरह का प्रचार प्रसार, नाटक और कला जत्थों का दौर तो हमारे इलाके में भी चला था। एक से एक प्रेरक गीत गाए जाते थे, नाटक दिखाए जाते थे, लेकिन फिर भी तो लोग छूट गए। मुझे लगता है प्रचार प्रसार में लगे लोग तो आगे बढ़े हुए होते हैं, पढ़े लिखे, लेकिन इसका प्रभाव जरूरतमंदों पर कितना होता है ये मुख्य बात है। वैसे शिक्षा के महत्व को निरक्षर नहीं समझते हैं ऐसी बात भी नहीं है, लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ने के बाद शिक्षा उनके लिए कितनी आवश्यक रह जाती है, जीवन में उसकी कितनी प्राथमिकता बन पाती है और अनौपचारिक शिक्षा व्यवस्था कितनी व्यवहारिक होती है, सब कुछ इस पर निर्भर करता है। ऐसा ही कुछ मेरे गांव में भी हुआ होगा। मुझे हरियाणा के विभिन्न गांवों में जाकर देखना चाहिए कि यहाँ पीछे छूट गए लोगों के लिए क्या हो रहा है। शायद यहाँ पीछे छूट गए लोगों को जोड़ने का प्रयास हो रहा है। माहौल से लगता है हरियाणा की कोई घुमंतू जनजातियों की बस्ती है। पहले थे ना,
वो तो नापढ़ थे, उनको तो कोई समझ नहीं थी। फिर ये बाद में हुई तो वैसे थोड़ी समझ आंदी 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 आई गई है। अब उनसे थोड़ा कुछ ऊपर हो गए, जो बुजुर्ग थे, बुजुर्गों के आगे थे भी, उनसे को थोड़ा ये सहूलियत में हो चुके हैं कि वो अपना अपना ये बिजनेस करने लग पड़े हैं। इसीलिए कहते हैं भी बच्चे अगर पढ़ जाएं तो हम भी कोई नौकरी भी लग सकता है, कोई अपना बिजनेस भी कर सकता है, दुकान भी कर सकता है, हिसाब किताब सभी कर सकते हैं, इसलिए खोला जा रहा है। थोड़ा दिमाग आ जाए, हम भी जब पढ़ रहे हैं दुकान पे जाते हैं, कोई सौदा साहब भी नहीं आता हमारे को, दुगना पैसे काट लेते हैं वो दुकानदार, तो थोड़ा दिमाग आ जाए, हम भी जब पढ़ रहे हैं। देहा जनजातियों के बीच शिक्षा के प्रति लगाव देखकर मेरा भी मनोबल ऊंचा हुआ है। मुझे हरियाणा के दूसरे गांवों के बारे में भी पता लगाना चाहिए। यहाँ तो बाकायदा पढ़ाई का काम चल रहा है, लेकिन ये सब तो स्कूल जाने वाली उम्र की किशोरियां हैं। शायद ये परिस्थितिवश औपचारिक शिक्षा से वंचित रह गई। मेरे गांव में भी ऐसी अनेक किशोर वय की लड़कियां हैं जो बचपन में स्कूल जाने की बजाय माँ के काम में हाथ बटाती रहीं। वैसे भी गांवों में लड़कियों को पढ़ाने की सोच भी तो नहीं थी पहले। घूंघट और पर्दे की संस्कृति ने भी तो महिला शिक्षा को पीछे धकेला है। लगता है ऐसे ही किसी कारण से छूट गई इन किशोरियों को अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम से जोड़ा गया है। कई लड़कियां इनमें प्राइमर 1, 2 और 3 पढ़ चुकी हैं, वो तो इनको पढ़ती ही हैं, इनके घर के भी साथ में किताबों को पढ़ते हैं। जैसे इनके माए तो पढ़ी नहीं होती, इनके जो डैडी हैं, इनके जो भाई हैं, वो पढ़ लेते हैं। साक्षरता अभियान हमारा 1992 से 1994 तक चला, जो प्रथम चरण है TLC का। उसमें हमने जो एक्सटर्नल एवेल्युएशन रिपोर्ट है उसके अनुसार 59.6% यानी कि 59.6% की उपलब्धि हासिल की। और उसके बाद हमारा दूसरा जो फेस है PLC का, वो हरियाणा के केवल 2 या 3 जिलों में चला है, जिनमें से यमुनानगर एक है। और PLC के दौरान भी हमने काफ़ी अच्छी उपलब्धि हासिल की है, जिसमें मोपिंग अप जो हमारा कार्यक्रम रहा है वो बहुत बढ़िया रहा है। उसके में हमने 25,000 लोगों को पूर्ण साक्षर किया है PLP के दौरान, और साथ साथ लोगों को जो सप्लीमेंट्री रीडिंग मटेरियल उपलब्ध कराया है, जो पहले साक्षर अनुसाक्षर हम बना चुके थे ताकि वो दोबारा रिलैप्स ना करें इलिटरेसी में। और तीसरा फेस जहाँ तक कॉन्टिन्यूइंग एजुकेशन प्रोग्राम की बात है, वो हरियाणा में यमुनानगर ही एक ऐसा जिला है जिसमें सतत शिक्षा कार्यक्रम चलाया जा रहा है। देश के पैमाने पर हरियाणा की साक्षरता 20वें स्थान पर है। '91 में यहाँ की साक्षरता दर 56% के करीब थी, 2001 में 68% हो गई। पुरुषों में साक्षरता तो बढ़ी हुई लगती है, 100 में 79, इस ख्याल से महिलाएं अभी पीछे लगती हैं, 100 में 56 ही साक्षर हैं। शायद सतत शिक्षा कार्यक्रम के दौर में इस कमी को पाटने की कोशिश हो रही है। इन केंद्रों में छूट गए लोगों को पढ़ाने के साथ साथ साक्षर हो चुके नव साक्षरों को विशेष रूप से तैयार की गई पुस्तकें जारी की जाती हैं। इस तरह नव साक्षरों में पढ़ने की आदत बनी रहेगी, साथ ही उन्हें पुस्तकों के माध्यम से नई नई जानकारियां भी होंगी। लेकिन सिर्फ पढ़ाई इन्हें कितने दिन बांधे रखेगी? पता करना चाहिए कि यहाँ और क्या क्या होता है। इनको पढ़ाने के साथ साथ इनको बैग बनाने भी सिखाए, जिससे ये कुछ कमा सके, कुछ इनके रोजगार का साधन भी हो।
मैंने इनको बैग बनाने सिखाए, कटिंग सिखाई, सूटों के अभी सूट भी सिल लेती है, दूसरों के भी सिल लेती है। अब तक हम 411 के 411 सतत शिक्षा केंद्रों को स्थापित कर पाए हैं, जिसमें से 41 जो हमारे केंद्र हैं वो नोडल सतत शिक्षा केंद्र हैं और 370 जो हैं वो सतत शिक्षा केंद्र हैं। और यही लक्ष्य लेकर हम चले थे। उसमें जो विभिन्न गतिविधियां हम चला रहे हैं, एक तो जो उसकी फिक्स गतिविधियां हैं जिसमें लाइब्रेरी सर्विस एक महत्वपूर्ण गतिविधि है, साक्षरता कक्षा की बात है जो शाम को चलती है, जो लोग हमसे छूट गए थे साक्षरता अभियान के दौरान उनको साक्षर करने की बात है, वो साक्षरता कक्षा हर केंद्र में चलती है। लाइब्रेरी सर्विस जो दूसरी है वो चलती है। एक चर्चा मंडल, उसमें चर्चा मंडल के तौर पे हमने उसको विकसित करने की कोशिश की है। और एक वोकेशनल ट्रेनिंग की जो बात है, लोगों को शॉर्ट ड्यूरेशन के कम समय के इस तरह के वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइड कराना ताकि उनके आय में थोड़ी वृद्धि हो और उनके जीवन स्तर को हम ऊपर ले जा सकें। ये भी कोई सतत शिक्षा केंद्र लगता है। यहाँ तो लड़कियों को कशीदाकारी का काम सिखाया जा रहा है। पढ़ाई लिखाई के साथ साथ हाथ का कुछ काम सीखना अच्छी बात है। वैसे भी इन सतत शिक्षा केंद्रों में सिर्फ नव साक्षरों को ही नहीं बल्कि दूसरे भी जो पहले से कुछ पढ़े लिखे हैं उन्हें भी इस तरह का प्रशिक्षण दिया जाता है। लेकिन सतत शिक्षा केंद्रों में ऐसे काम हो सकता है महिलाओं को जोड़ने के उद्देश्य से किया जा रहा हो। अब ये एम्ब्रॉयडरी का काम शुरू किया है यहाँ पे, जो कढ़ाई वगैरह का काम चल ही रहा है यहाँ पे, इसके बाद सिलाई का चलेगा। मच्छी टांका जैसे वगैरह, पीको, काज, बटन और ये सीख रही हूँ। दीदी आगे हमें कढ़ाई सिखाएंगे और कपड़े सिखाएंगे और मैं चाहती हूँ कि आगे जाके मुझे दिक्कत ना पड़े। सिलाई का प्रशिक्षण शायद इस मामले में अधिक कारगर हो। सतत शिक्षा कार्यक्रम से तो शिक्षा की अवधारणा ही व्यापक हो गई है। मुझे इनसे बात करनी चाहिए। अपने बच्चों को बता दे थोड़ा बहुत। अब अपने बच्चों को भी बता सकती हूँ कि जब से पढ़ाई सीखी है नाम वगैरह पढ़ लिख लेती हूँ। जब कभी शहर बाजार जाना होता था पहले तो कुछ भी पता नहीं था, अब सारा कुछ पता लग गया है। आजकल मतलब रेडीमेड सूट देख लो, मतलब बहुत ही महंगे पड़ते हैं। और डिजाइन, जरा सा डिजाइन डाल लो कमीज में, बाजू में, कहीं पे भी, तो उसकी सिलाई भी ज्यादा महंगी हो जाती है। और ये है कि जैसे मैं इनको डिजाइन वगैरह कैसे भी सूट सिखा रही हूँ तो इनके मतलब पैसे इनके पास ही बचेंगे, तो उसमें सिर्फ इनका रील और बुकरम का खर्चा ही आएगा, तो इनके टाइम की बचत होगी, इनकी आमदनी में मतलब फर्क पड़ेगा। और इनको मतलब अपने पास से किसी को पैसे नहीं देने पड़ेंगे, इनकी सिलाई के पैसे इनके पास ही बचेंगे। वाह, यहाँ तो रंग भरने का भी काम सिखाया जा रहा है। सतत शिक्षा केंद्रों में अगर इस तरह के बहुआयामी प्रशिक्षण के प्रावधान हो तो जिसे जिसमें रुचि हो उसका प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। आज के युग में तो ऐसी पेंटिंग भी आर्थिक उपार्जन का माध्यम बन सकती हैं। हम लोगों ने जो प्रशिक्षण केंद्र खोले हैं बीटीसीस, वो सिलाई का है महिलाओं के लिए, कढ़ाई का है, ब्यूटिशियन का है और पेंटिंग का है। उसमें हर तरह की पेंटिंग जो है उनको सिखाई गई है। इसके अलावा कुछ महिलाओं का ये मानना था कि हम लोगों को इसके माध्यम से कुछ रोजगार भी होना चाहिए, यानी कुछ आमदन भी बढ़े, तो उनको पापड़ बड़ियां बनाना सिखाना, अचार का, जैम जली का, ये भी प्रशिक्षण दिया गया ताकि वो अपनी आमदन में भी बढ़ोतरी कर सके। तो इसके अलावा और भी प्रशिक्षण है, जैसे सॉफ्ट टॉयज का आजकल जो नया चला है, टेडी बियर्स बनाना और उनको बेचना, जिससे उनकी आमदन में भी बढ़ोतरी हो सके और अपना कार्य में भी कुशलता जो है वो प्राप्त कर सके, वो प्रशिक्षण भी लगातार चल रहे हैं। और कई मतलब बीच में पढ़ने भी आती हैं, जैसे मान ले किसी को बिल्कुल नहीं पढ़ना आता, वो यहाँ से पढ़ना सीखती हैं मेरे से, और सिलाई वगैरह भी कई घर पर भी सीखती हैं और यहाँ पर भी सीखती हैं। और सभी लड़कियों का इंटरेस्ट है सीखने में। ये बात भी अपने आप में जरूरी है कि पढ़ाई लिखाई का काम बंद ना हो। शायद सतत शिक्षा केंद्रों को पुस्तकालय का स्वरूप प्रदान करने के पीछे
यही अवधारणा है। इसमें पढ़े नए पढ़े वाचनालय में जमा होते हैं, कभी सामूहिक रूप से तो कभी अपनी अपनी पसंद की पुस्तक लेकर स्वयं पढ़ते हैं। ये अक्षरों से शब्द और उससे आगे बढ़ने की स्थिति है। सोच का जो रास्ता निरक्षरता के अंधेरे में भटक रहा था, उसे प्रकाश मिल गया है। इसमें अधिकतर तो जो लोग हैं वो पढ़ चुके हैं, तो उनको आगे चलाने के लिए एक प्रक्रिया चली है कि उनके लिए कुछ किताबें रखी गई हैं केंद्र के अंदर, उन्हें लाइब्रेरी सर्विस दी गई है, मतलब जिससे वो पुस्तकालय में आकर के वो अपनी पढ़ाई को पुनः प्रारंभ कर सकें। उनको वैसे भी पढ़ाया भी जा रहा है, यहाँ तक कि हम लोगों ने ओपन स्कूल से भी एक सुविधा ली है, जिससे हम लोग उनको एक डेजिग्नेशन दे सकें कि वो कितनी जमात के काबिल हैं। क्योंकि अक्सर लोगों का ये प्रश्न था कि इन केंद्रों में पढ़ने के बाद हम लोग ये नहीं बता पाते कि हम कितना पढ़ चुके हैं, तो उन लोगों की एक संतुष्टि के लिए ये एक प्रयास प्रारंभ किया गया है, उन्हें एग्जाम्स दिलवाने के लिए उन्हें पढ़ाया भी जा रहा है। दूसरा हमने जो उसमें किया है, मुख्य तौर पे हमने जो जोड़ा है, क्योंकि शिक्षा और स्वास्थ्य का चोली दामन का साथ है, तो स्वास्थ्य को हमने इसके साथ जोड़ा है। और स्वास्थ्य में भी हमने स्वास्थ्य मंत्रालय के माध्यम से हमने RCH का रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ का एक प्रोजेक्ट भी लिया है, IEC एक्टिविटीज उसकी, कि लोगों को पता लगे कि क्या क्या सुविधाएं स्वास्थ्य विभाग की तरफ से उपलब्ध हैं और उनका कितना फायदा हम लोग उठा पा रहे हैं, कि लोगों को उस विषय में जागरूक करें अधिक से अधिक, विशेषकर महिलाओं को मातृत्व के बारे में, प्रजनन के बारे में, बच्चों के बारे में, ताकि लोगों को बच्चों को अधिक से अधिक स्वास्थ्य सुविधाएं मिलें, वो संतुष्ट हो सकें अधिक से अधिक, उनके बच्चों को की आयु लंबी होगी और इससे वो अपने परिवार को सीमित रख पाएंगे। हम लोग क्या करते हैं कि जब भी कोई गर्भवती महिला होती है वो अपने परिवार को, शिक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता अपने आप में जरूरी कदम है। इस मामले में सतत शिक्षा केंद्रों में होने वाली ये चर्चा सचमुच ही महत्वपूर्ण लगती है, विशेष रूप से महिलाओं का इस मामले में जागरूक होना। महिलाएं अगर अपने और बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर जागरूक हो जाएं, तो बहुत सारी छोटी मोटी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न ही नहीं होंगी। खास तौर पर महिलाओं से संबंधित अनेक बीमारियां जानकारी के अभाव में पैदा होती हैं। मुझे लगता है महिलाएं इन मुद्दों पर खुलकर बात भी नहीं कर सकती, जिसके कारण कभी कभी मामला गंभीर हो जाता है। सतत शिक्षा केंद्रों में इस तरह की चर्चा निश्चित रूप से महिलाओं में जागृति पैदा कर सकती है। कल से हमने 5 दिन का प्रशिक्षण यहाँ किया और इस वीर संकुल में करके और आप लोगों को यहाँ बुलाया। कल हमने यहाँ तो लगता है जागरूकता छलांग लगाकर आगे निकल रही है। महिलाएं सत्ता में भागीदारी की बातें कर रही हैं। पंचायती राज कानून में महिलाओं को जो अधिकार प्रदान किए गए हैं, उन पर चर्चा हो रही है। पर ऐसी भागीदारी मेरे गांव में क्यों नहीं बन पाई? कहां चूक हो गई? मुझे यूं लगता है कि सबसे मुश्किल अगर फेस है इसमें तो CEC फेस है, कंटिन्यूइंग एजुकेशन का जो फेस है वो ज्यादा कठिन है। कारण उसका ये हो सकता है कि TLC के दौरान हमारा एक ही लक्ष्य था कि लोगों को साक्षर करना है, 3 प्राइमर्स हमने उनको पूरी करवाना है, पढ़ाना है और साक्षर करके उनको PLC फेस में लेके आना है। लेकिन जहां तक CE का सवाल है, उसकी ओवरऑल डेवलपमेंट की बात कही गई है, उसे पूर्ण विकसित करने की बात करी है, उसके आय के साधन बढ़ाने की बात है, उसका जीवन स्तर ऊंचा उठाने की बात है, उसके उसको हर तरह की ऐसी सुविधाओं के बारे में जानकारी उपलब्ध करवाने की बात है जो उसे मिलनी चाहिए और नहीं मिल रही हैं, उनको संगठित करने की बात है कि वो संगठित करके होकर प्रयत्न करें कि उनके लिए जो जरूरी है, उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए जो जरूरियात चीजें हैं वो हासिल करें। साक्षरता और शिक्षा से जब जागरूकता बढ़ती है तो घूंघट में रहने वाली घरेलू महिलाएं भी अपना फैसला आप करने लगती हैं। कभी अपनी पीड़ा को घूंट भर कर पी जाने वाली महिलाएं अब दुनिया भर की बातों पर चर्चा करती हैं। यहाँ शायद ऐसे ही किसी मसले पर आपसी विचार विमर्श हो रहा है।
मैं इस सहायता ग्रुप में पढ़ी हूँ। अभी मैं सारी औरतें मिलकर पैसा इकट्ठा करते हैं 50 रुपए महीने के हिसाब से। हमारा 6000 कुछ पैसा ऊपर हो गया जी। अच्छा, तो चौराही गाँव की ये महिलाएं भविष्य की सोचने लगी हैं और उसी सोच के तहत स्व सहायता समूह बनाकर रुपया जमा कर रही हैं। सच, शिक्षा से किस तरह सोच बदलती है, एक तरह से बचत की आदत भी विकसित हो रही है। कल अगर पैसों की जरूरत पड़ेगी तो इसमें से निकाल सकते हैं। हरियाणा में साक्षरता आंदोलन की शायद ये सबसे बड़ी उपलब्धि है कि महिलाएं घर की चार दीवारी से निकलकर अब सार्वजनिक मामलों में भी भागीदारी निभाने लगी हैं। लेकिन ये भी सच है कि अभी तक राज्य की लगभग आधी महिलाएं ही आगे निकल पाई हैं, बाकी अभी भी पीछे छूटी हुई हैं, और उनकी संख्या भी इनमें जुड़ सकती है जो किन्हीं कारणों से स्कूलों में भर्ती नहीं हो पा रही हैं। हम निरक्षरों को साक्षर करने में लगे हैं और जितने लोगों को हम साक्षर करते हैं, नए जो जनरेशन है वो निरक्षरों के रूप में हमारे साथ एडिशन उसमें जमा होती रहती है, जिससे है कि निरक्षरों की संख्या में कमी नहीं होती है। तो हमने पिछले जब से सतत शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया है पिछले वर्ष से, हमने हर साल जून और जुलाई मास में एक स्कूल चलो अभियान चलाने का निर्णय किया। उसमें हमने पिछले साल ये किया था कि 6 से 8 वर्ष के जितने बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल नहीं जा रहे हैं उनका सर्वेक्षण करवाया था, और पूरे जिले से हमें 823 बच्चे ऐसे मिले थे जो स्कूल नहीं जा रहे हैं, उनके विभिन्न कारण थे। इस बार हमने एज ग्रुप थोड़ा बढ़ा दिया है, 6 से 8 की बजाय 6 से 11 किया है। तो इस बार हमें 1299 यानी कि 1299 बच्चे ऐसे मिले हैं जो अभी भी 6 से 11 वर्ष के ऐसे हैं जो स्कूल नहीं जा रहे हैं। उनको स्कूल में दाखिल करवाने के लिए हमने ये प्रयत्न किया कि अगस्त मास में हम उन सब बच्चों को स्कूल में दाखिल करवाएंगे। हमने स्पेशल शिक्षा विभाग से एक पत्र सभी स्कूलों को लिखवाया है कि इस तरह के कैंपेन के अंदर जो बच्चे आते हैं उनको तुरंत दाखिल किया जाए, किसी तरह की औपचारिकता के लिए उनका दाखिला ना रोका जाए। तो इस तरह ये स्कूल चलो अभियान एक ऐसा अभियान है जिससे आने वाले निरक्षरों की संख्या में हम रोक लगा देंगे और जो निरक्षर हैं उनको हम साक्षरता अभियान के माध्यम से साक्षर कर देंगे। तो एक समय ऐसा आएगा जब यमुनानगर पूर्ण साक्षर होगा, यहाँ कोई निरक्षर नहीं मिलेगा। यमुनानगर के लिए ये महत्वाकांक्षा सचमुच सुखद है, लेकिन जहाँ तक पूरे राज्य की बात है तो उसके बाकी जिलों में साक्षरता कार्यक्रम का पहला और दूसरा चरण भी पूरा नहीं हो पाया, जबकि हरियाणा ऐसा राज्य है जहां किसी मुहिम को एक बार प्रारंभ होने में जो भी देर लगे बाद में लोग स्वतः उसे मुकाम पर पहुंचा देते हैं। पिछले वर्षों में झज्जर जिले के मोहम्मदपुर माजरा गांव से जो शराब विरोधी आंदोलन शुरू हुआ था वो साक्षरता आंदोलन के दौरान उपजी चेतना का ही तो परिणाम था। हम खेतों में पानी लेने जाते थे, वही ठेका था। कभी अकेली या एक दो औरत जानकर उल्टा सीधा बोलते थे, गंदी बात करते थे वो। गंदे बोलते हम सारी इकट्ठी होकर पूछा था कि हम लोग सब एकजुट होकर ठेका बंद कराने गए। सरपंच ने कहा ये सरकारी ठेका है, बंद नहीं हो सकता। हम लोगों ने फिर भी पीछा नहीं छोड़ा। हम लोग सभी महिलाएं इकट्ठी वहां जा डटी। मेरा आदमी दारू पीता था तो मैंने जाकर उस ठेके पर धरना दे दिया। ठेका बंद कराने के लिए जितना हो सकता था किया, तय कर लिया था कि शराब बिकने नहीं देंगे। दुख तो ये ठेका, जिस ठेके को बंद कर दिया था वो फिर चालू हो गया, कोई फर्क ही नहीं पड़ा। ठेका खुल लगा तब हम जान की बाजी लगा देंगे, लेकिन ठेका खुलने नहीं देंगे। जब एमपी माजरे में मतलब ये ठेका उठ गया था उसके बाद मतलब और लोगों को प्रेरणा मिली, अगर संघर्ष हम जारी रखें तो हमें भी मतलब सफलता मिल सकती है। हमें लगा कि शराबबंदी के मुद्दे पर भी हमें लोगों को इस तरह से जागरूक करना चाहिए, तो नेतृत्व हमने लेने की बजाय हमने महिलाओं को ही कहा कि आप ही इस बारे में अगर नेतृत्वकारी भूमिका में आए तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि साक्षरता अभियान में हमारा एक उद्देश्य ये भी था कि महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा आगे लेकर आना, उनको प्रमोट करना, उनको इनिशिएटिव लेने की क्षमता से संपन्न करना। हरियाणा की महिलाओं का शराब विरोधी आंदोलन तो सचमुच साक्षरता आंदोलन का अंग बन गया। राज्य संसाधन केंद्र से इस मसले पर व्यापक प्रचार प्रसार का भी काम हुआ। ये भी सही है
कि आंदोलन नाकाम रहा। हमारे सामने कोई भी ऐसा मॉडल नहीं है जो सक्सेस स्टोरी हो, पूरे देश में मुझे अभी तक नहीं नजर आया है, कहीं मैंने बात भी की है कई बार, कोई ऐसी सक्सेस स्टोरी हो जिसको हम देखें, लेकिन हमें कहीं नहीं दिख पा रही है। और हमें अपना खुद एक्सपेरिमेंट करने के बाद ही हम किसी प्रोग्राम को लॉन्च करते हैं, उसमें बहुत सारी कमियां भी रह जाती हैं, तो उन कमियों को हम अपने अनुभव से ही सीख रहे हैं। हरियाणा में साक्षरता कार्यक्रम के मामले में लोगों की भागीदारी की कमी नहीं रही, उत्साह भी कम नहीं रहा। फिर क्या कारण है कि राज्य में अभी भी लोग छूटे हुए हैं? अभी भी शिक्षा की रोशनी खेतों और खलिहानों तक नहीं पहुंची, जबकि कृषि क्षेत्र में हो रहे आधुनिकीकरण के लिए ये और भी जरूरी हो गया है। इन छूट गए लोगों के लिए राह तो ढूंढनी ही पड़ेगी।